हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हम सोए हैं पौने तीन में, ठीक है, पौने तीन में सोए हैं। हम उठ गए हैं 7 बजे। अभी कितना बज रहा है? 7:35 हो रहा है। देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ नहीं बोलेगा आदमी तो दुनिया चलबे नहीं करेगा। नहीं, मैं दुनिया को झूठ बोलना सुनना भी पसंद है, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। सोच में 7:35 हो रहा है और उनको गजब का पसीना छूट रहा है। तुमको पता, सुबह में मेरा नींद अजीब टाइप से छूट गया। हमको एसी का आदत नहीं है, फिर भी उस रूम में कहते ना कि एक बार चीज़ अवेलेबल हो जाए तो फिर लाड़शाही चढ़ जाता है इंसान को। मतलब हम उठे एकदम गर्मी लग रहा है हमको, तुम भर भर के, जबकि घर में कूलरों मिले ना मिले पंखों बुता के सो जाते हैं कभी कभी। बेसिकली हमको टेम्परेचर से उतना फर्क नहीं पड़ता, पर आज सुबह लिटरली मेरा पूरा फेस पसीना से लथपथ हो गया। फिर सुबह उठे हैं, सूसू गए हैं, उसके बाद फिर नींद ही नहीं लगा हमको। जबकि 3 बजे सोए थे, हमको एकदम फ्रेश फ्रेश से फील हो रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सर भारी है एंड ऑल। और हम सुबह सुबह डांस कर रहे हैं, डांस करने के साथ अपना सुबह का शुरुआत किए हैं। आई फील कि कोई सेट ऑफ रूल नहीं होना चाहिए भाई, मतलब इंजॉय करने का सेट ऑफ रूल होना चाहिए सुबह सुबह। डू समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। क्या सुबह हुआ है? किसी दिन डिप्रेसिंग सुबह होगा ना तो व्लॉग बनाएंगे, फिर तुम लोग उंगली उठाना मेरे पे, कहाँ गया तुम्हारा हैप्पी और कॉन्फिडेंस वाला टेक्टिक, नाचो। हमको ये खुद को उंगली करने का आदत नहीं जाएगा। मतलब जिस दिन हम कुछ अच्छा करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हमको बहुत ज़्यादा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है जिंदगी, बहुत हमको प्रताड़ित किया गया है कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, हे इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड वी आर स्टार्टिंग आवर डे विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू नो डांसिंग एंड ऑल, ऐसा हम किस दिन करते हैं तो आई शुड अप्रिशिएट माई सेल्फ कि यस आई एम हैविंग अ गुड डे। लेकिन नहीं, जिस दिन करते हैं उस दिन खुद को याद दिलाते हैं कि बेटा नॉर्मली तो तुम करती नहीं हो, तुम हो ना लायक। दिस इज सच अ टॉक्सिक ट्रेट, आई शुड स्टॉप काउंटिंग ऑन ऑल ऑफ माई बैड थिंग्स एवरी टाइम। बहुत गलत बात है। आई नो कि ये तमन्ना का 144p भी नहीं था, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी तमन्ना चमकती है यार, तो हमको भी चमकना होगा। बताओ, तुम लोग उसका वीडियो देखते होगे, इतना चमक रही है। हम सारा पसीना पिंपल, अरे भाई वो हीरोइन है, उसको सब कुछ मिला है। ऐसे भी मैं भूत नहीं लग रही। सुबह सुबह ना बोलते हैं ना, लड़कियां सुबह सुबह उठती है मॉर्निंग ड्यूटी, हम लोग सुबह सुबह भूत नहीं जाते लगते हैं। हमको भी इतना गंदा भूख लग रहा है, इतना गंदा। तुम घर पे रहते हो ना, मम्मी पापा 10 बजे तक 11 बजे तक खाना निकाल के रखे रहेंगे, बेटा खा लो बेटा खा लो, भूख नहीं लगता। अब दोस्त यार यहाँ रहो तो सब पहले सब उठता है 12 बजे, फिर चाय पीता है, फिर 1 बजे डिसाइड करता है क्या बनाना है, फिर 4 बजे तक खाता है। कहाँ है तुमको भूख लग रहा है बताओ? और दूध को ढक दिया, पता नहीं कभी कभी हमको लगता है हम यहाँ पे आकर समझदार हो जाते हैं। इसमें है कॉफी। क्या आपके पास कॉफी पीने का टाइम नहीं है? जी नहीं, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, नेक्स्ट टाइम। पूछते रहे क्या, ट्रेन छूट रहा है क्या? सही में छूट रहा है अभी। बाय सपना दी। मेरा आवाज कभी कभी देखते हो गजब बदलता है सिचुएशन के साथ। दीदी के पास क्या आपके पास टाइम नहीं है? फनी। मैंने बोला गेम छे, तुमने बोला ट्रेन छे। इसमें इतना है ना कि इसमें अगर दूध डाल दो तो 1 कप और कॉफी रेडी हो जाए, पर ठीक है, इसको हम लोग बचा के रखते हैं। ठीक है, हम बिहारी लोग का ठीक है बोलने का स्टाइल बहुत अलग होता है। ठीक है ठीक है, इसमें बर्फ रहता है, कॉफी रहता है और चीनी भी रहता है, तीनों रहता है, तो इसमें चीनी भी ऐड करने का जरूरत नहीं है। अरे भाई ये तो चॉकलेट मोचा लग रहा है, लिक्विड और ये चितकबड़ा कॉफी। देख के लग रहा है कौन बड़का रेस्टोरेंट का कॉफी बना दिए हैं। यही सब कॉफी का 500-500 ले लेता है बड़का बड़का 5-स्टार रेस्टोरेंट में, ज्यादा डाल के अब बोलता है कि हमारा स्पेशल है। पे क्या मधुमक्खी था क्या था पता नहीं यार, ये रूम बहुत डेंजरस है, हम नहीं आएंगे इस रूम में। ये देखो नहा लिया हम। अरे ये कौन सा तरीका है खड़ा होने का? चोट लग गया भाई। कहाँ लगा? दिखाई नहीं दे रहा। देखो काला काला। अंदरूनी है क्या? हल्का काला है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। 4 यार 7 हो फिर क्या बात हो, बन गया बर्थडे। 4 में क्या हुआ, 2 है ना बस, यार हो, बस यार हो, 2 या 4 हो बस यार हो। अरे वाह वाह वाह, 2 या 4 हो बस यार। थोड़ी जेंजी टाइप है, छोटे छोटे कपड़े पहनते आ गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारा के जन्मदिन पे एक लाइन बोलना चाहेंगे।
सारा का बर्थडे है, सारा के लिए एक लाइन बोलना चाहेंगे। तुम जियो हजारों साल, माथा पर से गायब हो जाए तुम्हारा सारा माल। नहीं बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आई शैडो से कंसीलर मार लिए हम। किधर है? थोड़ा थोड़ा। इतना फाउंडेशन क्यों लिया, पूरे बॉडी में लगाना है? हाँ, ये सब यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ना। अपने शादी में आप किससे मेकअप करवाएगा, खुद कीजिएगा अपना। हाँ, सही में रोशनी देखो तो किसी मेकअप आर्टिस्ट का जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, हेल्प के लिए जरूरत है बाकी। लेकिन हमको इतना पता है क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है ना, हमको लगेगा वो होता है ना कि स्टिचिंग आता है तो भैया अपना ब्लाउज खुद सी लेंगे, सब तो देना सब। हाँ वही ना, आयरन करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग चिपकाना पड़ेगा। कैमरा लेके खड़े रहना, रुक साला फेरा हो रहा है एक सेकंड। शादी में अपने ब्लॉगिंग करेंगे हम, लेकिन हाँ तो विदाई में करेंगे भाई। पापा का बहुत याद आएगा, सही में पीछे से हम चढ़ जाएंगे। नहीं नहीं वैसे कहेंगे पापा का याद नहीं आएगा। अब कोई पापा बोल नहीं सकते है ना, अब याद आएगा कि पापा बोल ही नहीं सकते। अब पापा कहीं कहाँ होते, कहीं ससुराल में है, आप बोलिए। उधर रहना घर मत आना। हाँ उस टाइम तो कहेंगे एकदम मत आना, अभी कहाँ हो, रोशनी दिखा, जल्दी आओ। नहीं कल फोन उठा के बोले हैं एक काम कर, तू घरे मत आई है। ओके पापा। पापा प्लान तो आज का यही था। कि नहीं आएंगे, अभी तो ये सोचा घर जाएंगे क्या होगा। तुमको जूता से मारा गया है तो चप्पल से नहीं मारने का। तो हम लोग लकड़ी जला रहे हैं लेकिन लाइटर से। हैप्पी बर्थडे, जल्दी, अरे जल्दी आएगी तो भूत ना जाएगा किचन में, केक काट लिया जाए क्या। चल जाएगा, चल जाएगा, पोजीशन नहीं बैठा रही हो बढ़िया से। तुम जला जला, धर ले धर ले। अरे हैप्पी दिवाली, छोड़ दीजिए हमको। भगवान, बहन मेरे मुंह पे आएगा अभी। ये भाई घर में मत रिस्क से, उनको भी लाइट में आना था थोड़ा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है। झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है। तुम 70 साल में पार हो जाओ, हमारा यही है क्योंकि हम ज्यादा बुढ़ी नहीं देख सकते हैं किसी को, सीधा दूसरा जन्म लेके। कुछ ज्यादा सच बोल दिए, जल्दी जल्दी जाओ, जाओ ना। अरे यार इसमें से कुछ उड़ कर नीचे गिर रहा है। ये भी और रोशनी दी, म्यूजिक नहीं था तो क्या हुआ, हम लोग गाना बहुत अच्छा गाए हैं। फोटो लेना, फो हम वीडियो ले रहे हैं, फोटो भी ठीक है। देख फोटो अच्छा नहीं लो, तेरा मार दूँ जान से। हाँ बस कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये अंदर ही रखिए एक सेकंड खींचो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम थोड़ा बड़े यकीन हो कि तो अच्छा फोटो नहीं ले लो। रुको हम फोटो लेंगे, अभी खाना नहीं है, अभी लाना भी नहीं है। धरती पे लोग धरती पे आने का जश्न भी मनाते हैं। देर में है, इन्हें तुम ही खाओगी पता है हमको। ना बच्चा खाते से नहीं करता, मेरे साथ बचपन में ऐसा होता था इसलिए हम समझ सकते। भैया को खिलाते हैं भैया, बहुत छोटा है। कोई कितना भी छोटा हो सबको भैया उसके लिए सब बड़ा। अपने छोटी सना बनो की सहेली, अखियों में पानी रह गई, मम्मी भेजी थी फोटो में ब्याह कर दी डायरेक्ट। हैप्पी बर्थडे ने पापा से जो आज लेक्चर सुनी है, इसके पापा का जो डायलॉग था वो यही था कि क्या था डायलॉग, रोशनी तुम्हारा पापा है। सही में ऐसे बोलते डायरेक्ट पापा बोले थे। रोशनी कौन है? पापा है तुम्हारा। पापा आपका हम है, पापा नहीं है, रोशनी है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही डायलॉग बोलती है, हम किस कहीं फोन भी बतिया रहे कौन दादा से बात कर रही हो। बोले दादा का ही बोल रही हो यार हमको। वही ना, दादी का पत्ता काट रही है, बताओ अपना टमाटर। इसके पापा इसका वाट लगा दिए बर्थडे मनाने से निकलने से पहले, अब आई है लास्ट मोमेंट पर रोते रोते रैपिडो कर दो आ रहे। रैपिडो कर दो, हमारे पापा स्कूटी लेके चले गए। इसके पापा इसका स्कूटी लेके निकल ली, जिंदगी का दुख है। हाँ उसके बाद ओटीपी क्या हुआ।
हर चीज रोते रोते यहाँ आके फिर रोई है, फिर बोले कपड़ा बदलो बहन, फिर बन गई है साथी वुमन। अब हम जा रहे हैं क्योंकि मेरे पापा हमको बुलाए हैं, पापा लोग बहुत खतरनाक होते हैं। चार्जर लेने आए थे, चार्जर छोड़ के नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे। अभी सब बदतमीज सवाल मत पूछो हमसे, नहीं अभी हम जा रहे हैं, अब बहुत लेट हो गया, हमको 3 बजे निकलना था यार। रोशनी जी सही बोली थी कि 3 तो बज जाएगा केक काटते काटते, 2 बजे आई है लेकिन केक 3 बजे कटा है, हमको 4 बजे घर पहुंचना था। दादा जिंदा किरदा जा लगा ना माथा में, माथा में चोट लगा, आराम से बैठ ना रे, तुम ये जनाम को चीज बैठ ठीक है। अरे यार हम इधर बैठे हैं, तुम उधर क्यों भाग रहा है भाई? भाई तो 1 सेकंड के अंदर जिंदगी से गायब हो गया, बिल्कुल उन लड़कियों की तरह जो तुम्हारा पैसा लूट कर गायब हो जाती हैं। ओह खड़ा है, दूर से देख रहा है, चैलेंज कर रहा है। अब रजवत तू आओ, तोरा पकड़ा पकड़ी खेल के मन हो, आए नहीं रुकेगा। अरे हमको समझा दो तो गेम का क्या रूल है, जब मन तब घुस जा रहा हो, जब मन तब दौड़ रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।